दोस्तों, दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए जो है बड़ी ही खुशखबरी की बात है। जैसा कि उनके लिए जो है गुड न्यूज है, उनका जो है अब पेंशन में जो है बढ़ोतरी हो चुकी है। उनको जो है पेंशन का पैसा अब 5,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो जितने भी दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं उनके लिए जो है आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आप पेंशन के बारे में जानकारी पा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर न्यूज निकाला गया है, दिल्ली न्यूज। दिल्ली में हर महीने दिव्यांगों को मिलेगी 5,000 पेंशन, कैबिनेट की बैठक में मुहर। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि दिल्ली में हर महीने दिव्यांगों को मिलेगी 5,000 रुपये पेंशन। और यहाँ पर नीचे यहाँ पर पूरा अपडेट के बारे में बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने विकलांग लोगों के लिए नई योजना शुरू की है। इसके तहत जिनकी 60% से अधिक दिव्यांगता है उन्हें हर महीने 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस कदम का उद्देश्य दिव्यांगजनों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जैसा कि यहाँ पर हेडलाइन में बताया गया है कि दिल्ली सरकार ने दिव्यांगों के लिए हर महीने 5,000 रुपये पेंशन देने का निर्णय लिया है। और यहाँ पर दूसरा नंबर लिखा होता है सौरभ भरद्वाज, 60% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। और यहाँ पर तीसरे हेडलाइन में बताया गया है कि दिल्ली देश का एकलौता राज्य है जो दिव्यांगजनों को इतनी उच्च राशि की पेंशन प्रदान करेगा। और यहाँ पर नीचे पूरा डिटेल में बताया गया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे पूरा डिटेल में बताया जा रहा है कि नई दिल्ली के दिव्यांगजनों को अब हर महीने 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री सौरभ भरद्वाज ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिव्यांगजनों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने का फैसला किया है। जिन लोगों की 60% से ज्यादा डिसेबिलिटी डॉक्टर द्वारा सत्यापित होगी वह हर महीने 5,000 रुपये पेंशन के लिए लाभार्थी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पूरे देश में दिव्यांगजनों को हर महीने इतनी राशि देने वाला देश का इकलौता राज्य है। आप यहां पर देख सकते हैं और यहां पर नीचे पूरा डिटेल में बताया गया है कि दिल्ली में कितने लोग दिव्यांग हैं। सौरभ ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2011 के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की 15% आबादी किसी न किसी रूप में दिव्यांगता का सामना कर रही है। इनमें से लगभग 2 से 4% लोग ऐसे हैं जिनकी दिव्यांगता अत्यधिक होती है और वे हाई स्पेशल नीड्स की श्रेणी में आते हैं। दिल्ली में करीब 2,34,882 दिव्यांग हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े के अनुसार लगभग 9,500 से 10,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्सन विथ हाई स्पेशल नीड्स कहा जा सकता है। इस समय दिल्ली सरकार 1,20,000 दिव्यांगजनों को पेंशन देती है। जिनकी दिव्यांगता 42% से अधिक है उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और UDID कार्ड बनता है जिससे उन्हें पेंशन का अधिकार मिलता है। और यहाँ पर नीचे लिखा होता है योजना को तुरंत लागू करने के निर्देश। सौरभ भरद्वाज ने कहा कि पूरे देश में केंद्र सरकार का राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 लागू है, लेकिन तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जो पर्सन विथ हाई नीड्स को 1,000 रुपये मासिक सहायता प्रदान कर रहा है। सौरभ ने कहा कि सोमवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि दिल्ली सरकार पर्सन विथ हाई नीड्स को 5,000 रुपये हर महीने सहायता देगी। सरकार जल्द ही इन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगी। इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जितने भी दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं उनको जो है अब हर महीने जो है 5,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा पेंशन रिलेटेड संबंधित जानकारी मिलती रहती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।